नमस्कार, मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं द पंचायत, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप इसरो के नाम से जानते हैं। इसरो ने पिछले कुछ दिनों में कामयाबी के नए आयाम हासिल किए हैं, जिसकी वजह से उसने अपना नाम विश्व की सबसे पावरफुल अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल कर लिया है। यहां तक कि नासा भी इसरो की कामयाबी की बातें कर रहा है, तो सभी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम याद आ जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि भारत में इसरो की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति आखिर कौन थे? कौन है वो जिसने अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाया? चलिए आपको बताते हैं कि इसरो की शुरुआत करने वाले वो महान वैज्ञानिक कौन थे। नाम है विक्रम साराभाई, वो वैज्ञानिक जिसने छोटे से कमरे से इसरो की शुरुआत की। आज उनकी जन्मतिथि है और पूरा देश उन्हें उनकी कामयाबी के लिए याद कर रहा है। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। उनका पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के एक स्कूल से की थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए थे। वहाँ से आने के बाद अहमदाबाद में ही उन्होंने पहली फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। ये लेबोरेटरी उन्होंने अपने घर में बनाई थी। अहमदाबाद में उनके घर के एक कमरे में ऑफिस बनाया गया, जहाँ भारत के स्पेस प्रोग्राम का काम शुरू हुआ। उसके बाद 1952 में विक्रम के साथ काम करने वाले डॉक्टर सीवी रमन ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के नए कैंपस की बुनियाद रखी। उन्होंने अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम के अनुसंधान केंद्रों में भी काम किया। उनका सपना था कि भारत भी अंतरिक्ष में अपने उपग्रह भेज सके, और अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा और श्रीहरिकोटा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की। उनकी ही मदद से देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया। आपको बता दें कि विक्रम साराभाई ने ही अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने अब्दुल कलाम के शुरुआती समय में उनके प्रतिभाओं को बेहतर बनाने में उनकी काफी मदद की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाने वाले भी विक्रम साराभाई ही थे। अब्दुल कलाम का कहना है कि उनके गुरु विक्रम साराभाई ने उन्हें मेहनती होने की वजह से चुना था। कलाम का कहना है कि उनकी सफलता में विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा हाथ है। विक्रम साराभाई ने गुजरात में नेहरू विकास संस्थान की मदद से गुजरात की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहमदाबाद में उन्होंने IIM और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी को बनाने में भी काफी मदद की। 20 दिसंबर 1971 को डॉक्टर साराभाई थुम्बा गए थे, जहाँ एक रॉकेट का प्रक्षेपण होना था। वहाँ वो एक होटल में रुके थे, जहाँ उनका 52 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद देश की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। उनकी मदद से ही 19 अप्रैल 1975 में भारत की पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। पूरा देश उनकी सफलताओं के लिए आज भी उन्हें याद करता है, और याद करे भी क्यों ना। ये वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसरो की कामयाबी की आधारशिला रखी। भारत के ऐसे लाल को द पंचायत सलाम करता है। कैमरे के पीछे है सुभाष, मैं सोनम राठौर, धन्यवाद।